राजस्थान के जयपुर की पुलक चेतना मंच एवं महिला जागृति मंच के संयुक्त तत्वावधान में परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की 25वीं दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों का संस्था के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की 25वीं दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन पुलक चेतना मंच जयपुर एवं महिला जागृति मंच के द्वारा किया गया था, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली हाट पिपलिया देवास निवासी वर्षा पहाड़िया का स्वागत सम्मान किया गया। अपनी रंगोली के माध्यम से 2000 से अधिक धार्मिक अनुष्ठानों में मांडना एवं विधान मंडल को सजा चुकी वर्षा पहाड़िया को संस्था के पदाधिकारियों ने पगड़ी पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्था की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष ने अपने भाव व्यक्त किए। परम सौभाग्य का विषय रहा कि हमें कोरोना काल में परम पूज्य गुरुदेव का 25वां दीक्षा जयंती मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी क्रम में पुलक मंच परिवार ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी, जिसमें स्वरांजलि नृत्यांजलि भवांजलि और रंगोली प्रतियोगिताएं रखी थी। रंगोली प्रतियोगिता के अंदर श्रीमती वर्षा पहाड़िया ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उन्होंने केवल रंगोली प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि विभिन्न मंडल मानने की विभिन्न विधाओं के अंदर और भी कई सारी बहुत ही कलात्मक रचनात्मक कार्यों करती हैं, सभी में निपुण है और बहुत ही उन्होंने अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखारने एवं भक्तिमय भावों को व्यक्त करने के उद्देश्य से संस्था के द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के सकल जैन समाज ने सहभागिता की। जैन फोकस के लिए जयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।